चार गाड़ियां एक वक्त में तैयार रहनी चाहिए। सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक की ड्यूटी लगेगी और फिर शाम की ड्यूटी भी आप ही लगाएंगे। मेहमान आने वाले हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, ठीक है? अरे तुम उधर क्या कर रहे हो, इधर आना, इधर आके मेरी बात सुन। फूल वाला आया अभी तक? अच्छा तो ठीक है, उसको बोलो कि सफेद और लाल रंग के फूल जरूर चाहिए। लाइटें लगवाना आपको होगा, आप भी समझ गए, कोई बात की शिकायत तो मुझे नहीं मिलेगी। हाँ तो भी जाओ, अब काम शुरू करो। दिलावर कहाँ है? तबीयत संभली कि नहीं संभली? अगर संभल गई है तो उसको हमारे साथ भेज दो। बेहतर है। सही है, उसे कहो कि उसे शायद हमारे साथ जाना पड़ जाए, आज बहुत काम है। ओके, मैं भेजता हूँ, या अगर कहो तो मुझे ही साथ ले चलो। नहीं तो भी नहीं ले जा सकते, तुम्हारे यही रुकने के ऑर्डर है, हो सकता है छोटे साहब को कभी भी कोई काम पड़ जाए, तो तू यही रहे ना। ये आज इतनी चहल पहल कैसी है बेनी में? तुझे नहीं पता चला अभी तक? छोटी बीबी का रिश्ता लिए मुल्तान से लोग आ रहे, बहुत ही बड़े जागीदारों का रिश्ता आ रहा है। अच्छा सुनो, तुम अभी यही रुको, मैं सबको काम समझा के आऊं। जाना नहीं। अरे तैयार नहीं हुई मेरी माँ ही रानी, वो लोग आने वाले होंगे। मुझसे नहीं हुआ जा रहा तैयार अम्मी जी। अम्मी जी आपको नहीं लगता ये सब ज्यादा जल्दी हो रहा है? हर लड़की को ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी उसने अपने आंगन में 2 ही पल गुजारे थे कि उसकी डोली उठाने वाले आ पहुंचे, पर यही सच है, देर या सवेर रुखसत तो होना होता है ना मेरी धीरानी। हाँ लेकिन अम्मी मुझे उन लोगों पर हैरत हो रही है, बिना मुझे समझे बिना मुझे जाने इतनी जल्दी रिश्ता लेकर आ रहे हैं, ऐसा कौन करता है आजकल भला? आप परेशान नहीं हुई है, इसे मैं अपने हाथों से खुद तैयार करूंगी। लड़के की माँ को सकता ना हुआ ना हमारी माही को देख के, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं जानती हूँ हमारी माही है ही इतनी प्यारी, बड़े खुश नसीब होंगे जो इसे अपने घर की रानी बनाएंगे। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो, देर ना करना। हाँ क्या हो रहा है सब? भाभी आपको नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है? ये रिश्ता, ये लड़का, अम्मी जी। देख ले शाहजी जरा इस लड़की को, अभी तक तैयार नहीं हुई और मेहमान पहुंचने वाले हैं। हो जाएगी तैयार, तुम फिक्र नहीं करो। पहली दफा आ रहे हैं हमारे यहाँ, तुम मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी करो, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, हर चीज उनके शाया निशान होगी, एक तो लड़के वाले, फिर हमारी बेटी की होने वाली ससुराल, उन्हें हमारे दरवाजे बड़े और दिल खुले ही मिलेंगे। हाँ मुझे यही उम्मीद है। नाजिम शाह को भी इत्तला कर दो, वक्त से पहले मौजूद रहे। जी जी।
अरे वाह माशाल्लाह, चश्मे पतूर, आज तो वाकई क्यामत ढा रही हो। मेरी तरफ से तो 100% गारंटी, आज तो वो लोग हाँ करके ही जाएंगे। भाभी प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप तो मजाक ना करें। अब परेशान होने से क्या फायदा भला, मैंने तो पहले ही तुम्हें छेड़छाड़ करने से मना किया था। खैर जो होना था सो हो गया, मगर माही आज बात पक्की हो जाने के बाद तुम्हें अपना हर कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा। तुम्हारी जरा सी गफलत की वजह से कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो माही, यहां बात सात पर्दों में रहे तब भी दीवारों के कान सुन लेते हैं। छोटी सरकार, छोटी सरकार, वो मुल्तान वाले प्रौने ना आ गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम नीचे जाओ। अच्छा जी।